तो फिर आगे वो न्यूज़ सीरीज़ के एक और एपिसोड को लेकर, और इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या हुए, क्या क्या इंसिडेंट हुए इस वीक, क्या क्या इंसिडेंट होने वाले हैं नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट ईयर में। तो हर वीक में ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट लाता रहता हूँ इस वीक के लिए भी और आने वाले अगले वीक के लिए भी। तो आपको न्यूज़ सीरीज कैसी लगी मुझे बताना जरूर, नीचे कॉमेंट सेक्शन में लाइक करके बता देना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हेलो व्यूअर, दिस इज मोहित एंड यू आर वॉचिंग सिविल टेक हिंदी। तो बात करते हैं सबसे पहले इंडिया की सबसे पहली रेलवे यूनिवर्सिटी के बारे में। तो ये इंडिया की सबसे पहली रेलवे यूनिवर्सिटी है जो खुलने वाली है बड़ौदा में। ये इंडिया की सबसे पहली रेलवे यूनिवर्सिटी है और वर्ल्ड की तीसरी है, हालांकि दो पहले खुल चुकी है रशिया में और चाइना में। तो ये वर्ल्ड की तीसरी है और इंडिया की फर्स्ट है। जो भी रेलवे सेक्टर से रिलेटेड जो भी पढ़ाई होती है वो यहाँ पर करवाई जाएगी, जिसमें जो बेसिक कोर्सेस है वो है ट्रांसपोर्ट एंड सिस्टम डिज़ाइन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्ट पॉलिसी एंड इकोनॉमिक, और भी बहुत सारे जो भी रेलवे सेक्टर से रिलेटेड जो भी कोर्सेज होते हैं वो इसमें करवाए जाएंगे। हालांकि फर्स्ट बैच में 103 स्टूडेंट के एडमिशन इसमें हो चुके हैं। बात करते हैं मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर। इस एयरपोर्ट को लेकर अपडेट है कि इसने 8 दिसंबर 2018 को हैंडल किए हैं 24 ओवर्स में 1007 एयरक्राफ्ट। हालांकि इसी साल जून में इन्होंने हैंडल किए थे 1003 एयरक्राफ्ट। 8 दिसंबर को फंक्शन यह था कि उदयपुर राजस्थान में मुकेश अंबानी जी की बेटी ईशा अंबानी जी की शादी थी, तो उस चक्कर में इन्होंने कई सेलिब्रिटीज़, कई बड़े बड़े पॉलिटिशियंस मुंबई से गए उदयपुर राजस्थान में, तो उस चक्कर में इनको 1007 एयरक्राफ्ट हैंडल करने पड़े। बाकी नॉर्मली भी ये बहुत से हैंडल करते हैं, क्योंकि मुंबई का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, इसका एयर ट्रैफिक कंट्रोलर भी बहुत ही अच्छा है कि बहुत से फ्लाइटों को एक साथ मैनेज कर लेता है। तो बात करते हैं इंडिया की सबसे क्लीनेस्ट सिटी के बारे में। तो पहले थी इंदौर पहले वाले स्वच्छ सर्वेक्षण में। इस अभी दैनिक जागरण ने भी एक अपनी रिपोर्ट में बताया है, एक रिसेंट रिपोर्ट दैनिक जागरण की, उसमें उसने बताया है कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने फिर एक सर्वे करवाया था स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर, और इसमें वापस इंडिया की जो उन्होंने इंदौर को रेटिंग दी है, तो इंडिया की सबसे क्लीनेस्ट सिटी बताया है इंदौर को, और उसमें इंदौर को उन्होंने 7 स्टार सिटी कहा है और इंदौर को इसमें 7 स्टार दिए गए। हालांकि पहले वाले स्वच्छ सर्वेक्षण में पहली इंदौर थी और दूसरी भोपाल थी, पहली में भी वापस से इंदौर एक क्लीनेस्ट सिटी बन गई है इंडिया की। तो मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना कि आके आप कभी इंदौर गए हो, और इंदौर गए हो तो वहाँ की क्लीनिंग कितनी अच्छी है बताना जरूर नीचे मुझे कॉमेंट सेक्शन में। तो बात करते हैं स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में। तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को लेकर अपडेट ये है कि यहाँ पर जो है वो 30,000 से ज़्यादा टूरिस्ट डेली के विजिट करते हैं। तो एक रिसेंट रिपोर्ट में कहा गया है कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पर 30,000 से ज़्यादा टूरिस्ट डेली के विजिट करते हैं। तो इसको देखते हुए इंडियन रेलवे अपना केवड़िया गाँव में अपना एक स्टेशन बना रहा है नया, क्योंकि वहाँ पर कोई भी डायरेक्टली कोई सर्विस नहीं है। तो इंडियन रेलवे केवड़िया गांव में एक स्टेशन बना रहा है, जो हालांकि अब उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो अब स्टार्ट होगा, और ये पड़ेगा वडोदरा स्टेशन 71 किलोमीटर दूर, भरूच स्टेशन से 75 किलोमीटर दूर और अकलेश्वर रेलवे स्टेशन से 77 किलोमीटर दूर। बात करते हैं इंडिया के फर्स्ट वाटर मेट्रो के बारे में जो बन रही है कोची में। तो हालांकि पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि अंडर वाटर बन रही है बुलेट ट्रेन, जो हाइपरलूप टेक्नोलॉजी होती है वो हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के जरिए मुंबई से दुबई तक के बन रही है। और अब अपडेट आया है इंडिया की फर्स्ट वाटर मेट्रो के बारे में जो खुल रही है कोची में। हालांकि इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ और इसके लिए जो पैसे सेंक्शन हुए हैं वो हुए हैं 819 करोड़ रुपए, और ये कनेक्ट कर रही है कोची के 10 आइलैंड को। कोची सिटी में जो 10 आइलैंड है ये उनको कनेक्ट कर रही है, जो कि पड़ रहे हैं करीब 76 किलोमीटर के अक्रॉस में जो है वो ये 10 आइलैंड पड़ रहे हैं। तो ये उनको कनेक्ट करते हुए वाटर मेट्रो 819 करोड़ रुपए की कोची में बनाई जा रही है। बात करते हैं यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में। तो यमुना एक्सप्रेसवे की जो स्पीड लिमिट मैक्सिमम कर दी गई है वो कर दी गई है 75 किलोमीटर पर आवर। कारण इसका ये बताया है कि वहाँ पर जो धुंध बहुत होती है, हालांकि नॉर्थ साइड के अगर आप शहरों में रहते हैं इंडिया के तो वहाँ पर बेसिकली कोहरा बहुत ही ज़्यादा पड़ता है। तो उसको सेफ्टी के लिए जो स्पीड लिमिट कर दी गई है वो कम कर दी गई है, 75 किलोमीटर पर आवर कर दी गई है। हालांकि धुंध कितने भी हो में गाड़ी तो लिमिटेड स्पीड में ही चलनी चाहिए ताकि सेफ्टी को कोई इशू नहीं हो, एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी काफ़ी हद तक कम हो जाए। यही थे इस वीक के सारे अपडेट और नेक्स्ट वीक के आने वाले अपडेट। तो हर वीक मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।